गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे मयूर आसन, इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक पोज। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपके हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। है तो ये एडवांस आसन, तो इसलिए जो योग करते हैं वो ही इसे शुरू करें, और उसको जो योग अभी नया सीख रहे हैं उनके लिए एडवांस पड़ेगा। तो थोड़ा दिन योग करें पहले, और फिर उसके बाद इसको करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ज़रूर पढ़ें। तो बिना विलंब करें शुरू करते हैं कि क्या है मयूरासन और कैसे हम उसको इम्प्रूव करके अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि ये संतुलन का आसन है। हैंड हाथों के ऊपर पूरी बॉडी को उठाना है, तो इसीलिए हाथों का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, और थोड़ा सा एब्स का, पेट का भी है। तो पहली हाथों के एक्सरसाइज के वार्म अप के लिए फिंगर्स ऐसे खोलेंगे और मुट्ठियाँ बनाएंगे टाइट अच्छे से, और ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद रोटेशन। जो भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि एक एक बार नहीं करनी, कम से कम 15-15, 20-20 बार करना है ये वार्म अप। और उसके बाद ये एल्बोस के लिए, क्योंकि इसमें एल्बोस के ऊपर ही स्टे करना है, रिस्ट और एल्बोस का ही मेन रोल आने वाला है। तो थोड़ा सा शोल्डर्स के लिए रोटेट कर लें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब 8-8, 10-10 बार तो ज़रूर करें। आप वार्म अप करके ही सब कुछ करते हैं ये मैं समझता हूँ, और वैसे आपको करना चाहिए। अगर आप वार्म अप करके कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं झटका नहीं आता शरीर में, तो इसीलिए आप कभी भी बिना वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज ना करें। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने वार्म अप के अंदर जोड़ते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हमने ये आसन को तैयार करना है। तो क्यों ना हम जिस चीज़ को तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दे दें। तो यहाँ से फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ या इस तरह से, और 10-10, 20-20 सेकेंड इसमें होल्ड करेंगे। तो 3-4-5 बार इसको कर लें। इसके बाद हमारे को थोड़ा सा हाथों की स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, क्योंकि हाथों को खड़ा, हाथों के ऊपर हमने सारा पेट डालना। तो हमने, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ, जितने भी हैंड स्टैंड के जो भी हमारे, जिन पे हम हाथों पे खड़े होते हैं, संतुलन करते हैं, पूरी बॉडी को हवा में उठाते हैं, तो वो कोई भी चाहे शेप हो, चाहे वो लोलासन हो चाहे वो बकासन हो, उसमें हमारे आर्म्स की बहुत रोल होता है। तो इसलिए हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लैंक पोजीशन में खड़े हो सकते हैं, इसमें एल्बो का भी रोल है, तो हम ये वाला प्लैंक भी कर सकते हैं। इनमें कम से कम 30-30 सेकेंड खड़े होने की आदत होनी चाहिए, और अगर और भी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ पुशअप्स भी हम कर सकते हैं। तो ये सब तो था एक, कैसे वार्म अप करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे और कैसे स्ट्रेच करेंगे। जो एक रह गया है स्ट्रेच, वो भी करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला स्ट्रेच। तो क्या करने वाले हैं, पकड़ेंगे हाथ को और फिंगर्स को यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगे ना लगे इससे मतलब नहीं, लेकिन आपने एम्फेसिस देना है, अच्छे से बैंडिंग लेनी है या। और इसमें उल्टा भी थोड़ा सा पुश करते हुए, मैं साइड से दिखा देता हूँ, पकड़ेंगे और अंदर की तरफ अपनी फिंगर्स को इस साइड पे भी लगाने की कोशिश करनी है। यस, ऐसे 8-10 बार करेंगे। वही काम दूसरे हाथ से भी होगा, ये भी काम 8-10 बार करें। अगर ये आप वार्म अप इस तरह से स्ट्रेचेस इस तरह से करके हटते हैं तो आप अच्छे से शुरू कर पाएंगे। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मयूरासन होता कैसा है, उसके बाद हम उसके स्टेप्स सीखेंगे कि अब हम अपने आप को कैसे तैयार करें। सो, हमारे हाथ प्लेस करेंगे हम
फिंगर से खोल के। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ कि मैं फिंगर्स को ऐसे खोलकर और ऐसे रखता हूँ क्योंकि मुझे शायद ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा देर तक मैं इसमें में खड़ा हो पाता हूँ, ऐसे करता हूँ। आपने मयूरासन देखा होगा, उसमें हाथ पीछे भी रखते हैं बहुत सारे लोग, मतलब ऐसे इस तरीके से और वेट आगे, तो ऐसे। तो ये आपका मैटर है कि आप हाथ कैसे रखना चाहते हैं। मैं जैसे रखता हूँ मैं वैसे सिखा रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, और जब मैं एक हाथ से मयूरासन करता हूँ तो एक हाथ के ऊपर मयूरासन करते हुए हम हाथ ऐसे नहीं टिकाते, पीछे नहीं होता, उसमें सीधा ही होता है। और मेरा मानना है कि मोर के भी हाथ जो पंजे हैं वो पीछे तो होंगे नहीं, आगे ही होंगे। तो जब कोई पक्षी का हम पोज बना रहे हैं मोर की तरह खड़ा होना है तो मोर के पंजे पीछे नहीं होते, सामने ही होते हैं। तो हमने हाथ रखा यहाँ पे, इस तरह से रखेंगे हाथ, और पहले देख लें फिर मैं एक एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। तो ये हुआ मयूरासन। अब देखेंगे अब इसको आपने कैसे करना है। तो सबसे पहली टेक्निक, जो पहला स्टेप रहेगा, हाथों की प्लेसिंग। तो हाथ को हमने ऐसे खोला हुआ है और देखें सीधा नहीं, साइड, ये आपकी पोजीशन है जो अच्छे से देख रहे हैं, और एल्बोज जितना पास हो सके। ये हाथ हमारे जो है लगभग इनके बीच में, रिस्ट के बीच में 5 से 6 इंच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और लेकिन एल्बो और भी ज़्यादा अंदर होगी, लगभग 2 से 3 इंच का डिस्टेंस एल्बो के बीच में होगा। तो हाथ देखें किस तरीके के शेप में आएंगे जी। और रखना कहाँ पर है ने? इन एल्बोस को जब हम स्टे कराएंगे तो पेट हमारा जो नाभि है उसके लेफ्ट और राइट में ये हाथ लैंड करेंगे। इस तरह से हाथ की पोजीशन आएगी, ये अच्छे से देख लें, हाथ खुले हुए, एल्बोस हमारे नाभि के दाएं और बाएं रखी हुई। अब देखेंगे शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया हमारा जिसमें हमने हाथ प्लेस करा, एल्बोस अंदर करी, एल्बोस अंदर करी, और हमने अपने यहाँ पे हम सर ऐसे रख सकते हैं, एल्बोस को अंदर रख करके पहले जगह बना लें और कहाँ पर प्लेस करना है नाभि के लेफ्ट और राइट में रख लें उसको, हाथों को। अब इसके बाद धीरे से अपने पैरों को सीधा फैला लें और सारा वजन अपना छोड़ दें हाथों के ऊपर। जब हम हाथों पर वेट छोड़ेंगे तो आपके हाथ फिसल जाएंगे। बेसिकली क्या होगा, पेट टाइट होगा और इसके ऊपर जैसे ही हम हाथ रखेंगे तो हाथ हमारे बार बार ऐसे फैल के बाहर निकल जाएंगे। तो पहला लेसन ये है कि जब हम प्लेसिंग करेंगे और वेट जैसे ही उसके ऊपर छोड़ेंगे, अपना वेट एल्बोस के ऊपर छोड़ेंगे, तो हमें हाथों को अंदर अंदर की तरफ प्रेस करके ही रखना है। ऐसे दोनों हाथ जैसे मिलाना चाहते हो, एल्बोज मिलाना चाहते हो, जब हम ऐसे रखेंगे तभी हम पेट के ऊपर स्टे कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हाथ फैल जाएंगे और एल्बोज निकल जाएंगी। कैसे, हमारा हाथ अगर ऐसे हमने रोका नहीं तो ऐसे फिसल सकते हैं, नीचे फिसल जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा काम क्या है, एल्बोज को कंटिन्यूएशन प्रोसेस में अंदर की तरफ दबा के रखना है, क्योंकि वेट जैसे ही पड़ेगा, और फिर जैसे ही वेट पड़ेगा आप वजन डालेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, तो इसीलिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। और थोड़ी सी एब्स की एक्सरसाइज जैसे क्रंचेस ब्रंचेस भी कर सकते हैं, या इसमें थोड़ा थोड़ा स्टे धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर कोई स्ट्रांग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे वेट बढ़ाएं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड, अच्छे से 20-25 सेकेंड का ऐसे होल्ड हो जाए, फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो देखेंगे कैसे करेंगे। अब ध्यान से एक और चीज़ नोट कर लेंगे यहाँ पर कि जब आप एल्बोस को रखेंगे नाभि के साइड में तो आप सीधे नहीं रह सकते, आपके शोल्डर हल्के से कर्व होंगे, जो कि हम बाद में सीधे करेंगे बताएंगे, तो कर्व होंगे, और तब आपकी नाभि के पास आपके दोनों एल्बोस पहुँच सकते हैं, सीधे में नहीं पहुँच पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार फिर फर्स्ट स्टेप के साथ फिर सेकेंड स्टेप ऐड कर रहा हूँ। सर रखें, पैर रखें और ऐसे उठ जाएं, एल्बोस को
अंदर करें और इस पर वेट छोड़ दें। जब आपका वेट आपको लगे कि हाँ अब मैं, मेरे हाथ एल्बोज फिसलते नहीं हैं, हाथ कांप नहीं रहे और मैं अब 25 से 30 सेकंड तक आराम से इसमें स्टे कर पा रहा हूँ, तो धीरे से आपने क्या करना है, फेस को ऊपर उठाना है और सामने देखते हुए अपनी जो हिप से लेकर सर तक की पोजीशन है उसको सीधा करने की कोशिश करनी। कुछ नहीं करना, बस इसको सिर्फ सीधा करने की कोशिश करनी। स्ट्रेच करेंगे सीधा। ये हुई आपकी सेकंड पोजीशन, जिसमें आपने सिर्फ अपने फेस को ऊपर करते हुए इस पोर्शन को सीधा करना है। कर्व नहीं, जितना मैक्सिमम सीधा कर सकते हैं उतना होगा। थोड़ा बहुत कर्व हो सकता है, कमर में हम पा सकता है, लेकिन जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप उतना करेंगे और सामने देखना है। अब तीसरा स्टेप समझेंगे। यहाँ से अब जब हम यहाँ पहुँच गए, ये हमने कर लिया, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे पैर रह गए हैं जो उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, धीरे से पहले प्रैक्टिस क्या करनी है, इस जगह से हल्का सा, देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हल्का सा आगे जा रहा हूँ। आगे जाने के बाद उसके बाद हल्का सा पैर ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे और पीछे की तरफ टो को पेनिट्रेट करते हुए सामने देखते हुए इस तरीके की पोजीशन में लगभग 25 से 30 सेकंड जब हैबिट पड़ जाए, इसी तरह से दूसरे पैर से यही काम करना है। तो क्या करा हमने, पहले धीरे से वेट को आगे शिफ्ट कराए पोजीशन में और फिर पैर को एक को उठाया, फिर उसकी जब प्रैक्टिस हो जाए 8-10 सेकंड फिर दूसरा उठाएं। धीरे धीरे उन दोनों की प्रैक्टिस करते करते 25 से 30 सेकंड तक अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी बनती है। तब तक आपके हाथ बड़े अच्छे मजबूत हो जाएंगे, फिंगर्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा और ज़मीन को पकड़ पाएंगे, आप इधर उधर गिरेंगे नहीं। तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो क्या करने वाले हैं देखें। ये पोजीशन पहली हमने हाथों की बनाई, सर टिकाया, हिप ऊपर उठाए और एल्बोस को मिलाते हुए वेट छोड़ दिया। अब धीरे से पैर सीधे कर लिए, फेस ऊपर उठाया, आगे गए, एक पैर उठाया और अब हल्का सा और हमारे पास गुंजाइश बनेगी कि हम और आगे हो जाए। जैसे हम आगे होंगे हमारा जो दूसरा पैर है वो भी लाइट हो जाएगा, वो भी जमीन से ऐसे लाइट हम महसूस कर पाएंगे कि हम लाइट हो गए। तो एक पैर जैसे उठा, थोड़ा सा वजन और आगे गया तो हमारा जो दूसरा पैर है वो भी लाइट हो गया, हम उसे उठा पा रहे हैं, टोज जो है जमीन पे बस किस कर रही है। तो जैसे ही ये पोजीशन आएगी तब हम धीरे से पैर को ऊपर उठाते चले जाएंगे। जैसे सीसॉ होता है, आपने देखा होगा एक जो झूला होता है, या हम तराजू का एग्जांपल ले लें कि जहाँ पर वेट ज़्यादा होगा वहाँ पर नीचे झुक जाएगी वो तराजू का पलड़ा और दूसरा ऊपर उठने लगेगा। तो अभी हमारा पैरों की तरफ वेट ज़्यादा था, तो हमने जब आगे की तरफ अपने आप को शिफ्ट करा, हमने जब आगे की तरफ ध्यान देंगे, नीचे नहीं जाना है, आगे खींच रहे हैं हम, अभी एक बार फिर बता दूंगा। तो जब हम आगे की तरफ वेट शिफ्ट करा, हमने सीधा आगे वेट शिफ्ट करा, तो धीरे धीरे वेट आगे वाली बॉडी पर, नाभि से ऊपर वाले पोर्शन पे वेट ज़्यादा चला गया और वेट ज़्यादा जाने से हम जो है उधर वेट ज़्यादा होते ये पैर वाली जो साइड थी वो लाइट होने लगी। और जैसे ही लाइट होने लगी अब हमने ऊपर पैर उठाने दोनों और ऐसे खींच देना, शरीर को ऐसे तनावा रखना, खींच के जितना रखेंगे उतनी ज़्यादा देर तक हम खूबसूरत तरीके से बिल्कुल सीधा अलाइन होते हुए ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जो फेस को आगे ले जाना वो नीचे नहीं ले जाना, सामने। टेक पोजीशन, दिस इज द पोजीशन। यहाँ से आने के बाद मुंह नीचे नहीं, मुंह सामने जा रहा है लेकिन सामने देखते हुए, पैर एक उठाया, थोड़ा सा और आगे हुए और धीरे 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 हमें लाइट महसूस हो रहा है, हम पैर उठाएंगे। पहले हल्का सा उठाओ 2-3 इंच और धीरे से प्रैक्टिस करते 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 आपके दोनों पैर भी मिल जाएंगे और आप प्योरली मयूरासन में खड़े हो जाएंगे। तो ये हुआ मयूरासन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना वेट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।